राम राम भाइयों, आज का टॉपिक है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एचजीएच। एचजीएच क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है और एचजीएच हम नेचुरली कैसे बूस्ट कर सकते हैं और आर्टिफिशियल बॉडी बिल्डर क्यों लेते हैं और क्या इसका साइड इफेक्ट है एचजीएच का। तो पहली बात तो एचजीएच हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है जो नेचुरली हमारी बॉडी बनाती है एक एज तक। फिर उसके बाद क्या है कि कई बच्चों का इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन आता है कि भाई एचजीएच को हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को मतलब हम नेचुरली बूस्ट कैसे कर सकते हैं। नेचुरली बूस्ट करने की डाइट खाओ आप, जैसे प्रॉपर कैरेट, मिल्क, वेजिटेबल, पोटैटो वाइट, एग, पनीर, ये सब हो गई और ग्रीन वेजिटेबल तो खाना ही आपको ज़्यादातर। और इनसे क्या है कि आपको जो बॉडी में चाहिए वो सारी इनटेक पूरी हो जाएगी और इससे आपका नेचुरल एचजीएच ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बूस्ट होगा। आपको मैं आगे ये भी दिखाऊंगा लगा के कि एचजीएच की ओरिजिनल किट कैसी होती है। एचजीएच क्यों बनाया गया था? एचजीएच उन पेशेंटों को दिया जाता है जिन्हें बोन की प्रॉब्लम हो या मसल लॉस की प्रॉब्लम हो, जैसे बच्चों में, छोटे बच्चों में कोई पैदा हुआ उन्हें ये प्रॉब्लम आ जाती है तो उन्हें दिया जाता है, जिनकी ग्रोथ रुक गई हो उनको, उनके लिए, और जिन्हें एड्स की प्रॉब्लम हो जैसे उनका मसल लॉस होता रहता है तो उन्हें दिया जाता है कि उनका मसल लॉस ना हो और उन्हें बचाया जा सके। तो इसे पता लगा फिर बॉडी बिल्डर को बाद में कि हम इससे ज़्यादा मसल मास होल्ड कर सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसलिए बॉडी बिल्डर यूज करने लग गए ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एचजीएच को। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि 191 एमिनो एसिड की चैन होती है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन में। मैं कुछ आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ, मसल ग्रोथ, एंटी एजिंग, और जैसे कि आप बाहर का कुछ भी खाते हो उल्टा सीधा बर्गर पिज्जा वगैरह, तो जैसे हम वैसे फैट चढ़ती है बॉडी पे, तो एचजीएच जिस टाइम पे आप आर्टिफिशियल इंजेक्ट से इंजेक्ट कर रहे हो बॉडी में तो उस टाइम क्या आपको फैट नहीं चढ़ेगा क्योंकि वो आर्टिफिशियल